आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों से। तीसरे चरण के लिए नामांकन 1 फरवरी तक होगा। प्रत्याशियों का नामांकन होना है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार 25 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो नामांकन चल रहा है और आज तीसरे चरण का नामांकन है। तीसरे चरण के लिए मंगलवार 25 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 15 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने प्रत्याशी को सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई। यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो ऑनलाइन माध्यम से, कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 1 फरवरी तक प्रत्याशियों का नामांकन होना है और तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। आज यानी 25 जनवरी से। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव कुमार जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। संजीव, जिस तरह से चुनाव का नामांकन अभी चल रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चलेगी और अभी तक तो सुबह का समय है, 11 बजे से ये प्रक्रिया चालू होगी और शाम को 3 बजे तक ये चलती रहेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि देखते हैं आज किन किन दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करने आते हैं। जी, तो जिस तरह से अब धीरे धीरे सभी अपनी सूची जारी कर रहे प्रत्याशियों की, तो अब कौन से ऐसा दल है जिसने अभी तक सबसे कम प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं? देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कल एक सूची जारी करके अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी कुछ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसने अभी तक यहाँ पर अभी अपने कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने भी लगभग सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं फिरोजाबाद में। जी संजीव, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है जिले में? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन की कैंपेन फिरोजाबाद में तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इतनी ज्यादा सर्दी पिछले कुछ दिनों से फिरोजाबाद में पड़ रही है कि नेता तो छोड़िए, कोई निकलने के लिए बाहर तैयारी नहीं है। आज का दिन इतना सुहाना हुआ है, काफी दिनों बाद फिरोजाबाद में धूप निकली है। जी, और जिस तरह से चुनावी माहौल है, जनता का क्या मूड दिखाई दे रहा है? देखिए, जनता वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनता बिल्कुल वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, बस वो इंतजार कर रही है मतदान के दिन का। जी, और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बूथ पे सुरक्षा के इंतजाम कैसे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ फिरोजाबाद में अति संवेदन जो सील जो बूथ है उनपे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके बारे में पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। और जहां मैं इस समय खड़ा हूं कलेक्ट्रेट परिसर में, इस समय यहां चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स यहां तैनात कर दिया गया है। जी, तो नामांकन के समय कितने प्रत्याशियों को अनुमति दी जा रही है कलेक्ट्रेट परिसर में? देखिए, जो मान्यता प्राप्त दल है उनके प्रत्याशी के साथ में 2 लोग जा सकते हैं और जो इंडिपेंडेंट दल है उनके साथ में 10 लोगों की जाने की व्यवस्था की गई है। जी, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है और कोरोना काल है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, चुनाव आयोग ने इस बार अपनी चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती के साथ में कोरोना नियम का पालन करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कह दिया गया है। कोरोना काल की इसी कारण से चुनाव आयोग ने एक उमंग ऐप लॉन्च किया है जिसपे प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। तो नामांकन प्रक्रिया का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और तीसरे चरण मंगलवार 25 जनवरी से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 बजे से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे।
15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को सुविधा देने के लिए वेब पोर्टल का भी सहारा लिया है। वेब पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं प्रत्याशी। तो तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन होगा 11 बजे से और कई सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए जो तैयारियां हैं वो भी अच्छे से चल रही हैं, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। बात करें बूथ की तो बूथों पे भी खास ध्यान रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लगातार सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। साथ ही व्यवस्था सही रहे, शांतिपूर्ण तरीके से सारा चुनाव संपन्न हो, इसका ध्यान रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ बूथों की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है कोरोना के चलते। और देखने को मिल रहा है कि नामांकन जिस तरह से चल रहा है और नामांकन को ध्यान में रखते हुए भी आज कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है कलेक्ट्रेट परिसर में। और इस खबर पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आज तीसरे चरण का नामांकन होना, उससे पहले कैसा माहौल है कानपुर में? कानपुर में निर्वाचन आयोग चाक चौबंद के साथ किया जा रही है निगरानी। सीसीटीवी फुटेज और ऑनलाइन भी निगरानी को ऑनलाइन भी चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी देखा जाता है, जिसकी वजह से एक नए निर्वाचन आयोग की नई जिलाधिकारी जो कानपुर पहले भी रह चुके हैं उन्होंने एक मजिस्ट्रेट को बैठाकर परमानेंट निगरानी करने के लिए कैमरे लगा रखे हैं। जी, तो कितनी सीटों के लिए आज नामांकन होगा आज से और 1 फरवरी तक चलेगा? कम से कम 5 से 7 सीटों के बीच में नामांकन होगा। हर प्रत्याशी के साथ सिर्फ केवल 2 ही लोग की एंट्री करी गई है। जी, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सीसीटीवी के आधारों पर सुरक्षा की जांच की जा रही है और पुलिसिया विभाग भी जांच कर रही है और प्रत्याशियों की भीड़ जमा नहीं होने दे रही है। जी, तो क्या जिले में फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है शांति व्यवस्था बनाने के लिए, और क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? शांति व्यवस्था बनाने के लिए, फ्लैग मार्च करने के लिए पुलिस एक्टिव है। नाकों पे सघन चेकिंग का अभियान चलाए रहती है। जी, और जिस तरह से चुनाव है और चुनाव से पहले नामांकन देखने को मिल रहा है, सभी दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तो अब तक कौन कौन सी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है? लगभग सारे दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अभी कुछ सीटों रह गई, जैसे कानपुर के प्रत्याशी कानपुर में समाजवादी कैंट प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं और सीसा मऊ से कांग्रेस के प्रत्याशी, तो कुछ ही प्रत्याशी रह गए, बाकी लगभग सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जी रिजवान, हम कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशियों के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अभी कैंट के बीजेपी के प्रत्याशी कैंट रह गए। कानपुर से आर्यनगर के बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र अवस्थी जी और सीसा मऊ से अमर चतुर्वेदी जी और भी मैम कद्दावर नेताओं के बारे में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता रिजवान जुड़े थे कानपुर से। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं और लगभग सभी दलों ने अपने सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सिर्फ कुछ ही खास सीटें हैं जिनपे अभी भी प्रत्याशियों का नाम घोषित करने से पहले मंथन चल रहा है और आज से तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है और 1 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन करवा सकेंगे। अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज 11 बजे पार्टी मुख्यालय पर करेंगे प्रेस वार्ता।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 11 बजे पार्टी मुख्यालय पर करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 11 बजे पार्टी मुख्यालय पर करेंगे प्रेस वार्ता। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी मुख्यालय में होगी सीईसी की बैठक। आज 12 बजे से शुरू होगी सीईसी की बैठक। आज बीजेपी प्रत्याशियों पर लगेगी आखिरी मुहर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी मुख्यालय में होगी सीईसी की बैठक। आज 12 बजे से शुरू होगी सीईसी की बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जो बीजेपी अहम बैठक करने वाली है बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। आज बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी से आज 12 बजे से शुरू होगी सीईसी की बैठक। आज बीजेपी प्रत्याशियों पर लगेगी आखिरी मुहर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पिंक टॉयलेट निर्माण पर अभियंता ठेकेदार, नगर निगम प्रशासन ने जारी किया नोटिस। शहर में 75 पिंक टॉयलेट बनाए जाने हैं। साल भर में मात्र 20 टॉयलेट का हुआ निर्माण, काम में सुधार नहीं होने पर जुर्माने की चेतावनी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पिंक टॉयलेट निर्माण पर अभियंता ठेकेदार को नोटिस, नगर निगम प्रशासन ने जारी किया नोटिस। शहर में 75 पिंक टॉयलेट बनाए जाने हैं। साल भर में मात्र 20 टॉयलेट का हुआ निर्माण, काम में सुधार नहीं होने पर जुर्माने की चेतावनी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पिंक टॉयलेट निर्माण पर अभियंता और ठेकेदार को नोटिस, नगर निगम प्रशासन ने जारी किया नोटिस। शहर में 75 पिंक टॉयलेट बनाए जाने हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लोहिया पार्क में बनेगा पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट के साथ होगा सूर्य नमस्कार स्थल। लगभग 9 लाख रुपए का होगा निर्माण कार्य। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लोहिया पार्क में बनेगा पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट के साथ होगा सूर्य नमस्कार स्थल का निर्माण। लगभग 9 लाख रुपए का होगा निर्माण कार्य। लखनऊ में वाहन नंबर के नई सीरीज की होगी शुरुआत। कल से नई सीरीज की होगी शुरुआत। यूपी 32 MR सीरीज के VIP नंबर भी बदले जाएंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बुकिंग। लखनऊ में वाहन नंबर के नई सीरीज की होगी शुरुआत। कल से नई सीरीज की होगी शुरुआत। यूपी 32 MR सीरीज के VIP सुबह 10 बजे से शुरू होगी बुकिंग। लखनऊ में वाहन नंबर के नई सीरीज की होगी शुरुआत। कल से नई सीरीज की होगी शुरुआत। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी 32 MR सीरीज के VIP नंबरों की होगी बुकिंग। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बुकिंग। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आज तीसरे चरण के लिए जारी होगी अधिसूचना। 16 जिलों की 59 सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना। नामांकन के समय प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति नहीं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आज आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में हुई थी गिरफ्तारी। अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है CBI। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आज आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में हुई थी गिरफ्तारी। अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है CBI। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आज आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में हुई थी गिरफ्तारी। अदालत में आज जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है CBI। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है आज आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में हुई थी गिरफ्तारी। आनंद गिरी केस का मामला। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है आज आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है
महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में हुई थी गिरफ्तारी। अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है सीबीआई। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या जमानत मिल सकती है? देखिए, ऐसा है, मामला बड़ा था क्योंकि अखाड़ा परिषद के जो महंत थे, महंत नरेंद्र गिरी, उनकी एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी और लगातार इस पर मामले पर एक जैसे एक बिल्कुल बवाल मचा हुआ था। जिस तरह हम देख, सितंबर का मामला है और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर भी जारी किया था, बहुत बड़ा पत्र, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसको सीबीआई ने आधार बनाया है। और तमाम ऐसे मामले रहे, तमाम ऐसे जो तब्दीश रही है जिसमें हरिद्वार से लेके और इलाहाबाद तक तब्दीश हुई है, कई बड़े उसमें नाम भी आए थे। तो निश्चित रूप से जब उनके जो उनका शिष्य रहे हैं, जो उनका आनंद गिरी का नाम हमेशा उसमें मामले में रहा है और उनका नाम के उनके नाम से पत्र भी लिखा गया है और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, तमाम ऐसे मामले थे जिसकी लगातार सीबीआई तब्दीश चल रही थी। आनंद गिरी शुरू से ही शक के घेरे में थे क्योंकि उसके पहले भी इनका एक मामला हुआ था जिसमें आनंद गिरी ने दिवंगत महंत महेंद्र गिरी से माफी मांगकर वो मामला शांत कर लिया। तो निश्चित रूप से जब आनंद गिरी पर उस समय भी उंगली उठी थी, उस समय भी उंगली उठी थी और आनंद गिरी लगातार निरुद्ध है, तो निश्चित रूप से जो आधार है, पत्र का आधार है, तमाम ऐसे मामले, क्योंकि एक पत्र भी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वीडियो वायरल करने वाले थे और मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो तमाम ऐसी कड़ी है जिस पर सीरिया भी आधार बनाया है, इसलिए आनंद गिरी की जो जमानत याचिका है वो दर्ज यानी खारिज कर दी गई है। और निश्चित रूप से अभी हालांकि आनंद गिरी के वकीलों ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, आज फिर सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि आज सुनवाई में क्या होता है और जमानत मिलती नहीं मिलती। फिलहाल जो आधार सीबीआई के हैं वो इतने तथ्य इतने मजबूत है कि यहाँ को जमानत मिलने की उम्मीद कम से कम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।